जब से मैंने चैनल स्टार्ट किया और विंडोज फीचर्स के बारे में डिस्कस करना शुरू किया, मुझे लगातार कमेंट्स आती रही हैं। तो क्या सच में विंडोज एक खराब ऑपरेटिंग सिस्टम है और उसे हम कंटिन्यू यूज किए जा रहे हैं? आज इस वीडियो में कुछ पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे जिनके थ्रू आप समझ पाएंगे कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम आपके लिए ज्यादा बेहतर है। डिस्क्रिप्शन के अंदर चैप्टर सेट कर रहा हूँ, आप किसी पर्टिकुलर पॉइंट का आंसर वहां से जान सकते हैं। और अगर आप वीडियो लास्ट तक वॉच करोगे तो आपके लिए ज़्यादा प्रॉफिट की बात होगी। और अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ कमेंट करना, लाइक सब्सक्राइब बात की बात है, क्योंकि मैं आपके थॉट्स जानना चाहता हूँ इस पॉइंट को लेकर। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला पॉइंट जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यूज़र इंटरफेस। अब आपको पता ही है विंडोज़ 11 एक बिल्कुल नई यूज़र इंटरफेस के साथ आता है अदर विंडोज़ के कंपैरिजन में, और इसमें आपको बहुत सारी थीम्स इंस्टॉल मिल जाती हैं और आप अलग से थीम्स को डाउनलोड भी कर सकते हैं। और ये इंटरफेस काफ़ी लोगों को पसंद भी आता है, काफ़ी लोगों को पसंद नहीं भी आता। और लिनक्स की बात करें तो इसका जो यूज़र इंटरफेस है ये टोटली इसके डिस्ट्रीब्यूशंस पर डिपेंड करता है। जैसे मुझे कुबुंटू और KDE के डिस्ट्रीब्यूशंस बिल्कुल विंडोज़ लाइक इंटरफेस लगते हैं। और विंडोज़ 11 की बात करें तो इसमें टास्क बार की पोजीशन बेसिकली सेंटर फोकस्ड होती है, और लिनक्स के सभी डिस्ट्रीब्यूशंस में आपको लेफ्ट कॉर्नर अलाइन टास्क बार देखने को मिलता है। तो ये थी इंटरफेस की बात। अब आप इस यूज़र इंटरफेस का एक्सपीरियंस तो तभी कर पाएंगे जब आप इन्हें इंस्टॉल कर पाएंगे। तो चलिए पहले हम इनके हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स को देख लेते हैं। विंडोज़ 11 की बात करें तो इसमें आपको मिनिमम 4GB की रैम चाहिए, सिक्योर बूट और TPM 2.0 दोनों चाहिए। और इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्सी भी हुई थी। खुशी की बात यह है कि सिक्योर बूट और TPM दोनों को आप बाईपास कर सकते हैं कुछ टूल्स की हेल्प से। लिनक्स की बात करें तो इसमें इस तरह की कोई भी रिक्वायरमेंट की ज़रूरत नहीं होती है, और कुछ पर्टिकुलर लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशंस खासकर लो एंड पीसीज के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं। तो ये सब डिस्ट्रीब्यूशंस के ऊपर निर्भर करता है। विंडोज़ 11 की बात करें तो इसमें आप 32-bit ऑपरेटिंग सिस्टम को ड्रॉप करना शुरू कर दिया गया है, और लिनक्स में आप 32-bit ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ भी जा सकते हैं। अब हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स को जानने के बाद चलिए थोड़ा सा सिक्योरिटी पर फोकस कर लेते हैं, और ये पॉइंट है जहां लिनक्स एक चैंपियन है। और इसका मेजर रीज़न ये है कि 73% यूज़र्स विंडोज़ यूज़ करते हैं और लिनक्स का जो मार्केट शेयर है वो 2.5-2.6% के आसपास है। तो सीधी सी बात है, ज़्यादा यूज़र बेस होने के कारण पर्टिकुलर मालवेयर वायरसेस को विंडोज़ के लिए डिज़ाइन किया जाता है, जिससे लिनक्स एक सेफ ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाता है एज़ कम्पेयर टू विंडोज़। और बेसिकली जिन एक्सटेंशंस के साथ मालवेयर्स को क्रिएट किया जाता है वो लिनक्स के अंदर वर्क नहीं करते। इस पॉइंट के बारे में अभी हम आगे डिस्कस करेंगे जब हम एप्लीकेशन वाले पॉइंट की बात करेंगे। उससे पहले चलिए हम दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम की परफॉर्मेंस को देख लेते हैं। अब आपको पता ही है कि विंडोज़ 11 एक हैवी ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसके लिए हैवी स्पेसिफिकेशन वाला PC आपको चाहिए होता है। और यही कारण है कि धीरे धीरे विंडोज़ लैपटॉप कंप्यूटर स्लो होना शुरू हो जाते हैं। और वहीं लिनक्स की बात करें तो एक बहुत लाइट ओएस है और इसका अपना एक अलग एप्लीकेशन बेस है, जिससे आपको हाई टास्क करने के बाद भी अच्छी परफॉर्मेंस मिलती है। अब एप्लीकेशंस की बात आई है तो चलिए हम एप्लीकेशन रनिंग एबिलिटी को भी देख लेते हैं। विंडोज़ 11 की बात करें तो इसमें आपको सभी तरह की एप्लीकेशंस का सपोर्ट मिल जाता है, जिसमें एंड्रॉयड ऐप्स, Win32 ऐप्स, वेब ऐप्स और .exe ऐप्स का सपोर्ट मिलता है। इवन लिनक्स एप्लीकेशंस को रन करने के लिए बहुत जल्दी WSL का सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। WSL बोले तो विंडोज़ सबसिस्टम फॉर लिनक्स। इसके चलते आपको जल्द ही लिनक्स ऐप का सपोर्ट विंडोज़ के अंदर देखने को मिलेगा। वहीं लिनक्स की बात करें तो इसमें आपको ना तो एंड्रॉयड ऐप्स का सपोर्ट मिलता है और ना ही .exe ऐप्स का सपोर्ट मिलता है। और ये एक पॉइंट है जिससे लिनक्स थोड़ा ज़्यादा सिक्योर हो जाता है, क्योंकि ज़्यादातर मालवेयर्स और वायरसेस .exe फॉर्मेट में आते हैं, जो कि लिनक्स के अंदर चलता ही नहीं है। अब लास्ट पॉइंट बट नॉट द लीस्ट, गेमिंग। गेमिंग की बात करूँ तो विंडोज़ 11 इसमें डेफिनेटली चैम्पियन है, क्योंकि आपको इसमें एक्सबॉक्स गेमिंग और एक्सबॉक्स क्लाउड गेमिंग का सपोर्ट भी देखने को मिलता है। इवन आप इमुलेटर्स का यूज़ कर सकते हैं गेमिंग के लिए। वहीं लिनक्स की बात करें तो इसमें आपको स्टीम का सपोर्ट तो मिलता है, लेकिन उसमें बहुत लिमिटेड टाइटल्स हैं जिनका आप यूज़ कर सकते हैं। तो डेफिनेटली गेमिंग के फील्ड में विंडोज़ 11 ही चैम्पियन है। तो इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करने के बाद चलिए हम जान लेते हैं कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। अगर आप यूज़र इंटरफेस, गेमिंग और फीचर्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं तो आप विंडोज़ 11 की तरफ जा सकते हैं, और अगर आपको सिक्योर, बेटर परफॉर्मेंस और एक स्टेबल PC चाहिए तो आप लिनक्स की तरफ जा सकते हैं। और मुझे इस वीडियो में कमेंट करके भी बताइए कि आपको कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम ज़्यादा पसंद है और क्यों। और आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।